क्चर ट्वेंटी नाइन यूनिट सिक्स लॉग रिथम्स डेफिनेशन एक्सरसाइज सिक्स पेजे हैं हमारे सेवेंटी टू एटी बिसमिल्ल रन रहीम अलकम डियर स्टूडेंट टूडे इज़ आवर ट्वेंटी नाइन लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स कॉन्ट ऑन क्लास एट

स्पीड uh, के साथ सॉल्व करने में हेल्प करता है सो लॉगरिथम विद बेस टेन आर नॉन एज कॉमन लॉगरिथम अब जहाँ पे दो डेफिनेशन है यानी फर्स्ट पे जो डेफिनेशन है वो है कॉमन लॉगरिथम्स की तो वो लॉगरिथम uh, जिसकी बेस टेन होती है उसको हम कॉमन लॉगरिथम्स कहते हैं एंड दो विद बेस ई आर नॉन एज नेचुरल लॉगरिथम और जिस लॉगरिथम की बेस ई होती है उसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं सो so ये आपकी टू डेफिनेशंस है कॉमन लॉगरिथम्स एंड नेचुरल लॉगरिथम। सो नेक्स्ट वन so है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ए मल्टीप्लायर टेन पार एन ये जो एन है ये टेन की पार्स है ए मल्टीप्लायर टेन पार एन वेयर वन लेस ए लेस देन टेन एंड एन इज़ एन इंटीजर्स यानी कि एन जो है वो आपके इंटीजर्स हैं जो कि एन की पास है जैसे वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू एंड सोन इस कार नोटेशन सो इस तरह ये आपकी जो डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन के यहाँ पर ये हमारी डेफिनेशन थी जिसमें ए मल्टीप्लाई टेन पर एन होगा यहाँ पे ए जो है आपका जो है वो लेस देन वन और वन जो है वो लेस देन ए और देन लेस देन टेन और एन जहाँ पे इंटीजर्स हैं जो कि माइनस प्लस दोनों में आ, जैसे वन टू माइनस प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू ये आपके इंटीजर्स होंगे सो so, नेक्स्ट है हमारे पास अब लॉज ऑफ लॉगरीथम सो सबसे पहले हमारे पास जो ला है फर्स्ट ला ऑफ लॉगरीथम्स में आपके पास देखें आपका फर्स्ट लॉ है द फर्स्ट ला ऑफ लोग्रीथम स्टेट्स द लॉग रिथम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ देअर इंडिविजुअल्स लॉग रिथम यानी कि आपको टू नंबर्स जैसे एक्स और वाई दिया हुआ है ठीक है और इनका सम जो इक्वल टू होगा वो इनका अलग अलग से इंडिविजुअल होता है अपना अपना अलग अलग इनका सम होगा सो कंसिडर थ्री रियल नंबर्स एक्स ए एंड बी वियर एक्स ग्रेटर दैन जीरो एंड एक्स नॉट इक्वल टू आपका क्या है वन और देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ला लोग ए बेस एक्स आपके लोग बेस एक्स ए बी इक्वल टू लोग बेस एक्स ए प्लस लोग बेस एक्स बी यानी कि ये ए बी जो है इसको हमने अलग अलग करके लिखेंगे और इसका हम यहाँ पे सम लेंगे यानी ये प्रोडक्ट में दिया यानी कि मल्टीप्लाई में ए बी के दरमियान कोई साइन इट्स मीन गया यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया होगा तो आपने उसको फर्स्ट ला के अकॉर्डिंग यानी सम में आपने लिखना ए प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी और इसकी बेस जो होगी वो आपकी एक्स होगी सो नेक्स्ट वन है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ लॉगरीथम उसमें आप देखें आपके पास है सो सेकंड लॉ में आपने देखे द सेकंड लॉ ऑफ लॉग्रीथम स्टेट्स लॉगरीथम्स ऑफ द कोशन ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दियर इंडिविजुअल लॉग्रीथम यानी कि यहाँ पे जैसे कि हम फर्स्ट लॉ में था हमारे पास टू रियल्स नंबर्स थे और जिनका हमने सम किया था सम ही यहाँ पे ऐड किया था अब डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस ना आपने क्या करना है यहाँ पे इसको माइनस करेंगे सो कंसीडर थ्री रियल्स नंबर्स एक्स ए एंड बी वेयर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एक्स नॉट इक्वल टू वन देन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ यानी कि लोग बेस एक्स ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू तो आपने क्या करना है जैसे कि वहाँ लास्ट पिछले फर्स्ट हमें ए और बी कट्ठा लिखा हुआ था यहाँ पे डिवीज़न के साइन के साथ है सो लोग एक्स बेस ए माइनस लोग एक्स बेस और ये बी यानी कि अब ये डिवीज़न जब का जब साइन आता है तो ये आपका क्या हो जाएगा डिफरेंस में हम इसको शो करेंगे यानी माइनस में शो करेंगे जबकि पीछे ए बी था तो हमने उसको क्या किया सम यानी कि प्लस में किया था सो so, इस तरह ये हमारा सेकंड ला है सो so, थर्ड ला में आप देखें आप थर्ड ला में आपने क्या करना है कि थर्ड ला ऑफ लॉगरिथम स्टेट द लॉगरिथम्स ऑफ नंबर ए रेज टू अ पार बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पार बी एंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर ए कंसीडर थ्री नंबर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स नॉट इक्वल टू वन देन अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ यानी लोग बेस एक्स ए पार बी अब आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा ए पार बी की फॉर्म में दिया हुआ लोग इक्वल टू आपने क्या करना है जब हम लिखेंगे तो बी जो पावर्स जो होगी वो बिफोर लॉग हो जाएगी यानी बी लोग ए अगर आपको ए, 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 बेस एक्स ए यानी कि अगर लेट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपने उसका फाइंड करना लोग यानी टू पार फाइव तो आप इसको लॉगवीं शक्ल में आप जब लिखेंगे तो पावर जो फाइव मैंने बोला है तो फाइव बिफोर लॉग होगा फाइव लोग टू हम लिखेंगे ठीक है जो पावर्स होती है वो बिफोर लोग हो जाती है इस तरह हमारे ये तीन लाद थे यानी फर्स्ट ला में आपने क्या करना है सम करते हैं सेकंड में आपने यानी डिवीजन फॉर्म में दिया तो आपने उसको क्या करना माइनस की शक्ल में लिखेंगे थर्ड में आपको पावर्स की सूरत में आपको ला दिया होगा तो पावर जो होती है बिफोर लोग आ जाती है सो इस तरह ये हमारे तीन ला हैं जो आपने अच्छी तरह इनको याद करना है और क्योंकि ये नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज में अप्लाइज होनी है सो नेक्स्ट है आप सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज सिक्स इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स आ रही है वो है हमारी ए, क्या है थर्टी फोर पॉइंट फाइव सिक्स एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन इज यानी कि सबसे पहले जो हमें पार्ट दिया हुआ है इसका है वो हमें साइंटिफिक नोटेशन में करना है अब जो सबसे पहले अब हमने थ्री के बाद पॉइंट को पुट करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी थर्टी फोर पॉइंट फाइव सिक्स था हमने पॉइंट को लेफ्ट टू राइट इसका लेके जाना है तो इस तरह फिर हमने क्या किया यानी कि एक डिजिट हमने पॉइंट्स को आगे गए तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे थ्री पॉइंट फोर फाइव सिक्स मल्टीप्लाई आपका टेन पार क्या होगा वन क्योंकि हमने एक डिजिट इसका आगे किया है तो इस तरह ये हमारा यानी कि यहाँ पे थ्री पॉइंट फोर फाइव सिक्स मल्टीप्लाई टेन पार वन और वन हम लिखते नहीं इस तरह हमने जस्ट टेन लिखा सो पार्ट टू में आप देखिए वन पॉइंट थ्री फाइव सेवन मल्टीप्लाई टेन पार माइनस फोर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड नोटेशन इज अब देखें जब पार्स हमारी माइनस में दी होती है तो फिर हमने बिफोर जो आपका नंबर जैसे वन पॉइंट है यानी कि आपके वन के आगे फोर डिजिट जो है वो यानी हो और होने चाहिए तो इस तरह जब माइनस में होगी पार्स तो हम आगे इसकी ज़ीरो को पुट करेंगे और फिर इसका हम आंसर लगाएंगे तो अगर पार्स हमारी पॉजिटिव में होती है तो फिर हम इसकी बैक पे यानी पॉइंट के बाद ज़ीरो को पुट करते हैं सो so, यहाँ पे हम आप देखते हैं कि हमारे पास जो है उसने क्या कहा हुआ है माइनस फोर है तो अब पॉइंट के आगे हमारे पास फ़ोर डिजिट होने चाहिए तो वन तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ यानी एक डिजिट है इसके आगे हमें थ्री डिजिट यानी थ्री ज़ीरो पुट करनी है और फिर हमें इसके आगे पॉइंट्स लगाना है सो so, देखे हम इसका लिखेंगे अब यहाँ पर आपका इसको लिखें ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 वन यानी आप फोर डिजिट होगी ना पॉइंट के बाद ज़ीरो जीरो जीरो, जीरो वन और इसके बाद आपके जितने सब जो नंबर है थ्री फाइव सेवन आप इसको लिख सकते हैं थ्री फाइव सेवन एंड सो so. तो इस तरह आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन से निकाल के हमने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा यानी कि नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह हमने सॉल्व करने हैं सो नेक्स्ट हमारे पास लॉगरेथमिंग फॉर्म ऑफ टू पार थ्री इक्वल टू एट इज अब हमने इसको लॉग रिथम्स फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे आप देखें आप लिखेंगे लॉग लॉग टू अब ये एट अगर रिप्लेस करेगा थ्री को और थ्री रिप्लेस करेगा एट को यानी कि थ्री की जगह पे आप क्या आएगा टू पार एट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा थ्री यानी कि ये आपके पास log टू पर एट इक्वल टू थ्री इस तरह हमने इसको लोक शक्ल्स में लिखा लोक फॉर्म्स में लिखा सो so, नेक्स्ट uh, है हमारे पास फोर है द एक्सपनेशनल फॉर्म ऑफ log फोर log बेस फोर सिक्सटीन इक्वल टू टू इज अब हमने इसको एक्सपोनेशनल फॉर्म में लिखना है सो so, आपके पास सबसे पहले बेस जो है फोर है इक्वल टू जो टू है वो आपने रिप्लेस करना है सिक्सटीन की जगह पे और सिक्सटीन आपका टू की जगह पे चला जाएगा रिप्लेस पे चला जाएगा तो हमने फोर पार टू किया इक्वल टू आप इसको करेंगे सिक्सटीन अब देखिए अगर आप फोर को टू टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है सिक्सटीन आता है ना तो इस तरह हमने इसको क्या किया रिप्लेस किया कि इसको यानी कि हमने सिक्सटीन की जगह पे टू लिखा और टू की जगह पे हमने सिक्सटीन को लिखा सो so नेक्स्ट हमारा लास्ट है फिलिंग द ब्लैक द लॉग रिथम्स ऑफ वन टू एनी बेस इज़ यानी कि आपका जो लॉग रिथम ऑफ एनी बेस वन होगा उसका हमारा लॉग रिथम जो होता है वो ऑलवेज ज़ीरो होता है जबकि आपकी बुक में इसका आंसर उन्होंने सेवन दिया हुआ इट्स अ रॉन्ग आंसर सो अभी आप कैलकुलेटर पकड़ें और उसका लॉग रिथा उसका कैलकुलेटर पे आप पहले लॉग का बटन प्रेस करें और फिर वन लिख के और इक्वल टू करेंगे तो आपके पास आंसर जो होगा वो ज़ीरो आएगा सो so, नेक्स्ट हमारे पास हैं टू फॉर्स और इसमें हमने देखना है सबसे पहले जो हमें दिया हुआ स्टेटमेंट जो हमें दी हुई है क्वेश्चन है हमारा टू स्टेट वेदर द आर ट्रू और फॉल्स सो फर्स्ट वन में द बेस ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज टेन ये ऑलवेज टेन नहीं होगी ऑलवेज वन होती है जो कि सबसे पहले मैं अभी पीछे हमने बताया इस तरह इसका ये जो है फर्स्ट वन जो है वो आपका फॉल्स है सो so, सेकेंड में आपके पास से लॉग बेस फाइव पार फाइव इक्वल टू ज़ीरो अब जैसे अब ये अगर हम इसकी ये वो फाइव को जीरो की जगह पर रिप्लेस करते हैं ये देखें फाइव को अगर ये फाइव बेस है इसकी पार अगर हम ज़ीरो लिखते हैं और इक्वल टू हम फाइव करते हैं तो जिस नंबर की पार जीरो होती है वो इक्वल टू हमारे पास वन हो जाता है ठीक है तो ये हमारा जो है यानी फाइव वन सा फाइव हो जाएगा और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है सो so, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू सो से थर्ड पे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम लॉग एक्स पर ए बी इक्वल टू लॉग एक्स ए प्लस लॉग एक्स क्या है बी अब यहाँ पे जो उसने ये आपका एक्स है और ये भी आपका एक्स ही है ठीक है और अब अभी पीछे हमने जैसे फर्स्ट लॉ में पढ़ा था उसमें क्या दिया हुआ था ए, ये हमें दिया हुआ था ए ये प्रोडक्ट फॉर्म में और इसको हमने सामने लिखा है तो इस तरह ये हमारा जो है वो स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है ट्रू है ठीक है तो इस सूरत में हमारा ये क्वेश्चन जो है ये पार्ट जो है वो क्या है ट्रू है जबकि पीछे उन्होंने आपका ये दिया हुआ है फॉल्स में अगर ये देखें ना ये भी एक्स है आपका और ये भी एक्स है और ये भी आपका एक्स है एक्स होने की सूरत में तो ये तीनों एक्स हैं और ऊपर उसके ए प्लस लोग भी दिया हुआ तो ये हमारा ट्रू में आता है ठीक है सो यहाँ पे लिखें ठीक अब जो नंबर फोर पे है द वैल्यूज ऑफ लोग एट पार फाइव हंड्रेड ट्वेल्व इज़ थ्री यानी कि ये भी हमारा क्वेश्चन ठीक है यानी कि जब एट की पार थ्री करेंगे तो एट को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वन हंड्रेड ट्वेल्व ही आएगा जैसे कि एट वन एट एट साउ सिक्सटी फोर एट फाइव हंड्रेड ट्वेल्व आता है सो so, ये भी हमारा ट्रू हो गया सो लास्ट वन आप देखें इसमें हमारे पास है लोग आपके पास है फाइव पर टू इज इक्वल टू टू प्लस लोग फाइव अब जैसे कार्डिंग टू तो थर्ड लॉ हमने जो अभी पढ़ा था यानी लोग पावर जो होती है अभी फोर लॉग आ जाती है ये यहाँ पे आना था आपका log टू यहाँ पे ये प्लस का साइन जो था ये नहीं आना था उस रत में ये ठीक हो जाना था अब यहाँ पे प्लस होने की वजह से ये आपका फॉल्स में चला गया सो so, इस तरह ये हमारा फॉल्स है स्टेटमेंट तो इस तरह हमने जो टू फॉल्स किए हैं वो कंप्लीट हुए सो so, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में अब हमारे पास क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनैशनल फॉर्म यानी कि अब आपने क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है सो so, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है यानी कि वन हंड्रेड अलेवन सॉरी वन हंड्रेड ट्वेंटी वन है और इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे सबसे पहले यानी अलेवन मल्टीप्लाई अलेवन हो जाएगा यानी कि अलेवन यहाँ पे कितने दफ़ा है टू टाइम है सो इस तरह हमारा आंसर जो आएगा वो अलेवन पार्ट टू यानी ये टू जो है वो इस अलेवन की पार्स है आप इसको इस सूरत में भी लिख सकते हैं ठीक है एलेमन पार्ट टू ये इसी तरह लिखें सीख और नेक्स्ट है हमारे पास है पार्ट टू पार्ट टू में आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है वन ट्वेंटी एट सो फर्स्ट पे हमने क्या किया सबसे पहले हमने वन ट्वेंटी एट के फैक्टर्स बनाएंगे यानी टू के साथ इसको डिवाइड करेंगे इस तरह करते जाएंगे ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे टू मल्टीप्लाई टू यानी टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट ए टू ज सिक्सटीन और सिक्सटीन टू ज़ा थर्टी टू और थर्टी टू टू ज पास हो गया सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर टू ज़ार वन ट्वेंटी एट सो इस तरह ये तमाम जो है इन टूस को हम काउंट करेंगे तो इट्स विकम सेवन सो आंसर आ गया आपके पास टू पार्ट सेवन सो इस तरह हमने इसका आंसर लिखा यानी किस फॉर्म में लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सो टू पार सेवन इज़ आंसर सो नेक्स्ट वन है आपके पास सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन इसके हम फर्स्ट पे फैक्टर्स बनाएंगे और सबसे पहले ये हम इसको नाइन पे डिवाइड करेंगे ये थ्री पे भी हो सकता है लेकिन हम इसके डायरेक्ट फैक्टर्स इस वक्त बना रहे हैं एक्सपो फॉर्म में लिखना है सो इस तरह हमने इसको नाइन पे डिवाइड किया सो नाइन नाइन से आपका एट्टी वन और एट्टी वन नाइन से आपका सेवन ट्वेंटी नाइन हो जाएगा सो दीज आर थ्री नाइन सो नाइन फार आपकी और हो क्या होगी यहाँ पे थ्री तो नेक्स्ट वन है आपके पास पार्ट फोर थाउजेंड है आप थाउजेंड के फैक्टर्स बनाए यानी टेन के साथ ऐसे अगर टू के साथ बनाएंगे तो भी बनते हैं लेकिन हमने यहाँ पर डायरेक्ट बनाएंगे एक्सपोनशनल फॉर्म में लिखना ही तो टेन मल्टीप्लाइड टेन मल्टीप्लाईड टेन यानी कि टेन टेन्स हंड्रेड हंड्रेड टेन आपके पास क्या बन गया थाउजेंड सो इस तरह आपके पास थ्री टेन्स आ गए सो टेन पार्ट थ्री इज द एक्सपोनेशनल फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन सो दीज आर द फोर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री सो वो सॉल्व ऑल द पार्ट्स सो नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर सो क्वेश्चन नंबर फोर में आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है सबसे पहले है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स ट्रू द साइंटिफिक नोटेशन अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करना है सो तो सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है वो है आपका सेवन हंड्रेड अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो सबसे पहले हम इसको जब सेवन वन डिजिट हम इसका स्किप करेंगे और उसके बाद जितने डिजिट है हम उसके क्या करेंगे पॉइंट स्पट करेंगे इसके ये आपके पेज सेवेंटी टू पे आपको ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं वहाँ पर उन्होंने इसके स्टेप्स भी आपको बताए हुए हैं वन बाय वन आप उसको वहाँ से इसको रीड करें और देखें कि कैसे हमने ये पॉइंट को पुट किया है so, सो हमने फर्स्ट डिजिट को सबसे पहले नॉन ज़ीरो जो नंबर होता है उसको हमने लिया यानी सेवन जो हमारा है हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है सो so, हमने सेवन के बाद अपना पॉइंट यहाँ पे पुट किया सो so सेवन के बाद आप देखें कितने डिजिट है टू डिजिट है यानी कि ये आपने लाइन ऐसे हमने लगाई यानी टू डिजिट हमने इसको प्लेस किया सो so हमारा एरो यहाँ पे लगेगा यहाँ पे ठीक है ये के टू डिजिट आपके पास है टू प्लेसेस पे आपका क्या है पॉइंट है तो इस तरह आंसर जो आ गया सेवन पॉइंट डबल ज़ीरो मल्टीप्लाई टेन पार टू यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है टू तो वो टेन पार क्या हो जाएगी टू यानी कि आप इसको अगर इस सूरत में भी लिखते हैं जैसे आपको ये टेन की पार आपको नज़र आ रही है ये मल्टीप्लाई आप लिखेंगे टेन पार टू टू इसके ऊपर लिखेंगे ठीक है सो नेक्स्ट है हमारे पास फाइव बिलियन हंड्रेड थाउजेंड्स आपके पास दिया हुआ है फाइव बिलियन और हंड्रेड मिलियन है आपके पास ठीक है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट आपके यानी कि आपने ये एरो आप फर्स्ट पे इसका लगाएं ये आपका एरो यहाँ से शो कर रहा है यानी कि वन के, के बाद से लेकर लास्ट ज़ीरो तक आपका ये नंबर्स आप यहाँ से लेके आपने यहाँ से इधर को आना ठीक है आपने लेफ़्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट आप आ पा रहे हैं आपका एरो जो है ये शो करता है यहाँ से आपने इस ज़ीरो से यहाँ तक इस पॉइंट तक आप वन तक आएंगे ठीक है तो ये आप फ़ाइव पॉइंट आप पीछे आपने ये नंबर्स काउंट करने हैं कितने आपके ये आपके नाइन है यानी नाइन प्लेसेस है आपके पास तो आपने क्या किया फ़ाइव पॉइंट ये वन जीरो यानी पॉइंट के बाद हम टू डिजिट ले लेते हैं बाकी भी अगर लिख लेंगे इट्स के लेकिन इन्हीं को से इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म को लिखने के लिए तो हम ये पार्स को लेते हैं सो फाइव पॉइंट हमने लिया टेन यानी वन जीरो सॉरी मल्टीप्लाई टेन पर नाइन यानी कि इस पॉइंट के बाद आपके पास ये जो है डिजिट है वो नाइन है इसमें ये वन भी काउंट होगा ये जीरो जीरो यानी थ्री हो गया और ये थ्री ज़ीरो सिक्स और ये थ्री जीरो हो गया तो आपके पास नाइन डिजिट है यानी टेन पर यहाँ पे क्या आएगी नाइन आएगी सो so, इस तरह हमारा पार्ट टू कंप्लीट हुआ सो नेक्स्ट वन है हमारा पार्ट थ्री पार्ट थ्री में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेल्व अब हम सबसे पहले क्या करेंगे फोर्थ यानी कि एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट को पुट करना है सो so सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट को पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यानी हमने थ्री आपके जो पॉइंट लगा है वो है थ्री के बाद सो so, एरो बनाया हमने यहाँ पे और सो so, नेक्स्ट हमने यहाँ पे एरो नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन चेंज है सो देखें आप देखें फोर प्लेसेस आपके पास आनी हैं यानी कि आप इस टू से इस ज़ीरो तक आप जाएँ तो कितने नंबर्स हैं फोर नंबर्स हैं सो फोर प्लेसेस आएगी यानी आपने थ्री पॉइंट जीरो एट यानी पॉइंट के बाद टू डिजिट लेंगे मल्टीप्लाई टेन पार यहाँ पे क्या आएगी फोर अब यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है फोर सो इस तरह टेन पार आपकी क्या आएगी फोर सो इस तरह आपका क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ सो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो थ्री वन एट सेवन ठीक है अब इस क्वेश्चन में आपने ये देखें थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा चेंज है यानी कि पॉइंट जो है वो के बाद दो डिजिट जो है आपके पास क्या है ज़ीरो ज़ीरो है तो हमने पॉइंट कहाँ पे पुट करना होता है नॉन ज़ीरो नंबर्स के बाद यानी कि जो नंबर ज़ीरो ना हो ये जैसे कि पेज सेवेंटी टू पर हमें ये रूल्स दिए हुए हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं तो सबसे पहले देखिए अगर हमने पॉइंट पुट करना है थ्री के बाद तो थ्री के अब फिर हम पॉइंट के आगे नंबर्स को देखेंगे यानी ये ज़ीरो ज़ीरो और ये थ्री ये नहीं ये कितने नंबर्स हो जाएंगे ये थ्री नंबर्स हैं और ये थ्री प्लेसेस हम यहाँ पर पॉइंट्स लगाएंगे सो उस सूरत में हमारी जो पार्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी माइनस में चली जाएगी सो इस तरह हमारा आंसर आएगा थ्री पॉइंट वन एट सेवन मल्टीप्लाय टेन पार माइनस थ्री अब यहाँ हमने एट सेवन भी लिख सकते हैं लेकिन हमने जस्ट थ्री पॉइंट वन मल्टीप्लाय टेन पार माइनस थ्री लिख के क्वेश्चन को यहीं पर ख़त्म कर दिया So, इस तरह अब अगर आपके पॉइंट्स जो है आपकी पास माइनस में है तो फिर पॉइंट्स जो होगा उसके पीछे जीरो जीरो उतनी ही लगेंगे जैसे कि अब जहाँ पे हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो थ्री वन एट सेवन दिया हुआ था हमने इसको क्या किया यहाँ से लेफ्ट टू राइट हमने ये पॉइंट्स को मूव किया यानी थ्री के पीछे पॉइंट लाए और इस तरह ये हमारे यानी पॉइंट के आगे कितने डिजिट हो गए थ्री डिजिट हुए सो इसकी हमने इसलिए इसके पास माइनस थ्री रखी ठीक है सो इस तरह हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा फाइव अब क्वेश्चन नंबर फाइव में जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो है अब जैसे अभी नोट साइंटिफिक नोटेशन किया था क्वेश्चन नंबर फोर में या हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के यानी कि क्वेश्चन फोर के ऑपोजिट करेंगे यहाँ पे हमने क्वेश्चन को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है नी कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू द ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि वो हमारे पास थे ऑर्डिनरी नंबर्स थे और साइंटिफिक नोटेशन में लाए थे आप जो है और साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ क्वेश्चन है उसको हमने ऑर्डनरी नंबर्स में लिखना है अब सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्वेश्चन थ्री पॉइंट वन एट मल्टीप्लाई टेन पार सिक्स यानी ये टेन पार सिक्स जो है आप टेन पार ये इस क्वेश्चन को इस सूरत में ऐसे लिख सकते हैं थ्री पॉइंट टेन पार सिक्स राइट अब आप के पॉइंट के बाद जो डिजिट होने चाहिए वो सिक्स होने चाहिए ठीक है अब देखिए वन और एट तो दो डिजिट तो आपके पास ये हैं नेक्स्ट फोर डिजिट आपके पास और होने चाहिए वो क्या होगी आप वो बज़ाहिर तो आपको नज़र नहीं आ रहे उस में हमारे पास नहीं फ़ोर जीरो हो जाएंगे इस तरह इन नंबर्स को काउंट करें तो वो कितने हो जाएंगे सिक्स हो जाएंगे सो so, इस तरह जो हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि ये थर्टी वन एटी ये थर्टी वन लैख एट्टी आपके पास आ जाएगा ठीक है तो ये आपका कौन सी नोटेशन में हो गया ऑर्डिनरी नोटेशन या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं ठीक है सो हमने ये देखा कि थ्री के बाद हमारे पास ये टेन पास सिक्स है तो थ्री के बाद सिक्स डिजिट होने चाहिए सो कौन दिस डिजिट ये वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स यानी थ्री के बाद हमारे पास कितने डिजिट है सिक्स है तो इस तरह ये टेन पार हमारी सिक्स थी ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट टू में जीरो पॉइंट सिक्स फाइव मल्टीप्लाइड टेन पार माइनस थ्री अब यहाँ देखें फिर माइनस थ्री के बाद यानी पावर्स हमारी माइनस में आ गए उस सूरत में हमने क्या करना है सिक्स के आगे जो है वो हमारे थ्री डिजिट होने चाहिए ठीक है वो थ्री डिजिट कहाँ से आएंगे वो होंगी हमारी ज़ीरो सो ज़ीरो पॉइंट आपके क्या करेंगे जीरो ज़ीरो सिक्स क्योंकि सिक्स के आगे पॉइंट लगा हुआ है अगर यहाँ पे पॉइंट ना होता उस सूरत में हम यहाँ पे फिर टू ज़ीरो लगाते ठीक है अब सिक्स के आगे पॉइंट गिवन है सो हमने इसके आगे थ्री ज़ीरो पुट की और सिक्स फाइव लिखा इस तरह माइनस थ्री था इसलिए हमारी ये थ्री ज़ीरो आ गई यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर्स के आगे आपके जो नंबर्स हैं वो थ्री हैं और वो है थ्री ज़ीरो सो इस तरह आपका आंसर आ गया ज़ीरो पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो सिक्स फाइव सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट थ्री पार्ट थ्री में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वन पॉइंट एट ज़ीरो टेन पार्ट टू इसका मतलब है कि वन के बाद आपके पास टू डिजिट आने चाहिए अब टू डिजिट ऑलरेडी आपको नज़र आ रहे हैं यानी वन पॉइंट एट यानी एट जीरो टू डिजिट हुआ यानी टेन पार्ट टू है तो हम टेन पार्ट टू को ख़त्म करते हैं और वन आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया राइट right? सो so नेक्स्ट में आपके पास है सिक्स पॉइंट टू वन मल्टीप्लायर टेन पार फोर अब सिक्स पॉइंट टू वन मल्टीप्लायर टेन पार फोर अब सिक्स के बाद कितने डिजिट टू है टू yeah. तो ऑलरेडी दिए मेट आपके पास इसकी फोर है तो हमने पीछे टू ज़ीरो और लगा देंगे इस तरह सिक्स टू वन डबल ज़ीरो आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया तो जैसे कि आपके पास ये एक क्वेश्चन है ये आपका वन पॉइंट एट्टी वाला जो है एट ज़ीरो वाला है इसके नीचे अगर आप देखें तो ये पॉइंट ख़त्म करें तो क्या हो जाता है ये ज़ीरो हो गया दो ज़ीरो लगी और टेन पार्ट टू की कितनी जीरो होंगी टू जीरो होंगी ये हंड्रेड हंड्रेड से कैंसिल हो गया पीछे अब क्या रह गया आपके पास आंसर वन एटी एट मेथड ये भी है ठीक है इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सो so, नेक्स्ट देखें अब आपके पास है सिक्स टू वन अभी इसके हमने पॉइंट ख़त्म किया तो इसके नीचे क्या लगा जीरो ज़ीरो हंड्रेड और यहाँ पे टेन पार्ट फोर है अब आपके पास यहाँ पे कितनी ज़ीरो आएंगी फोर ज़ीरो आएंगी अब ये टू ज़ीरो तो इस टू ज़ीरो से कैंसिल हो गई अब सिक्स टू वन के पीछे ये टू जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से तो आपके पास आंसर सिक्स टू वन डबल ज़ीरो आ गया ठीक है एक मेथड ये भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप इस तरीके से भी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ये जो आपका मेथड है आपका डायरेक्ट आपकी बुक मेथड दिया हुआ था इसलिए मैंने ये किया और इस तरह थोड़ा मज़ीद अगर आप इसको मैं आपको ये करके दिखाया जैसे ये मेथड के साथ तो इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह यानी कि दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे सो नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको सॉल्व करेंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज आज का काम आपका इतना ही है आपने सारी डेफिनेशन अपनी नीट नोटबुक पर करनी हो ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिलिंग द ब्लैंक्स और तो टू फॉल्स जो है अपनी अपने बुक पे करने हैं थैंक्स अल्लाह हाफिज